हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज गुप्ता। आप में से कुछ शायद सोच रहे होंगे कि सर नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं। ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली है, तो हैवी वीडियो फाइल से बचने के लिए अपना वीडियो मैं नहीं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया। देखिए, पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी। सो गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी पावर्टी को फिनिश करने की, सबसे पहले थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, कि भाई अगर ग्रोथ होगी, जीडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, ग्रीन रिवॉल्यूशन होगी, तो अपने आप पावर्टी ख़त्म हो जाएगी। बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही, तो इसलिए फिर गवर्नमेंट ने पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स शुरू किए, जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, राइट। फिर हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में आई मीन पढ़ाई था कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम भी, राशन की दुकानें और इस तरह की चीज़ें शुरू की। तो ये जो पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स था, ये पिछली वीडियो में हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स जो है उनके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया की। इन्होंने बोला कि ठीक है, देयर इज अ स्टेडी डिक्लाइन इन पावर्टी ओवर द लास्ट टू डेकेड्स। कुछ गरीब कम हुए हैं, लेकिन द टोटल नंबर हैज रिमेन्ड कॉन्स्टेंट, बट जो नंबर ऑफ पुअर हैं वो उतने ही है। क्यों? क्योंकि जितने गरीब गरीबी की रेखा से ऊपर गए, यानी इफ दे आर नो मोर पुअर, एटलीस्ट नो मोर बीपीएल, बिलो पावर्टी लाइन, तो उतनी पॉपुलेशन बढ़ गई। यानी जो सुपर गरीब है, पॉपुलेशन तो वो भी बढ़ा रहे ना, वो घबरा नहीं रहे इस बात से, खुद खाने को नहीं है रोटी, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। और ये मेरा अपना रियल एक्सपीरियंस है। एक एनजीओ हम चला रहे हैं, तो हम स्लम एरियाज़ में गए थे, तो वहाँ हमने लोगों से पूछा, भाई तुम्हारे इतने बच्चे क्यों हैं या क्या सोच है तुम्हारी? तो उनमें से कुछ ने शेयर किया कि हम ऐसे सोचते हैं कि भाई अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो फिर वो सारे मिलकर कमाएंगे बड़े होके, और उससे फिर हम गरीबी से बाहर आ जाएंगे। That is what they think. So, इसलिए अगर पावर्टी में डिक्लाइन है भी, कुछ गरीब कमा कमू के पावर्टी लाइन से ऊपर चले भी गए हैं, तो लेकिन जो नीचे वाले हैं वो जनरेशन और अपनी बढ़ाए जा रहे हैं, तो उससे जो टोटल नंबर ऑफ पुअर इन इंडिया है वो, उसमें कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब देखो ना, हमने स्टैटिस्टिकली डिस्कस किया था कि जो पहले 55% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन पुअर थी, बिलो पावर्टी लाइन, वो 22% रह गई, लेकिन जो गरीब थे वो फिगर अभी भी करीब करीब उतनी है, 32 करोड़, 27 करोड़, उसमें कोई चेंज नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो बिलो द पावर्टी लाइन थे, उन्होंने तो पैदा करना अभी चालू ही रखा ना, तो वो गरीब के गरीब ही हैं, वो सिर्फ सोच है उनकी, ऐसा कुछ नहीं होता है, इससे कोई अमीर नहीं बन जाता है। तो उससे फिर वो नंबर ऑफ पुअर जो है वो वहीं के वहीं कॉन्स्टेंट है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रोथ इन पॉपुलेशन, क्लियर है ना? चलो, ये पॉइंट आपको क्लियर है। चलो, अब जो है सो है, सवाल ये है कि अगर हम गवर्नमेंट में हैं, अगर हम गवर्नमेंट के बिहाफ से देखें, तो करना है कुछ ना कुछ। ये नहीं सोचना कि क्या है, अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है कि पॉपुलेशन भी कंट्रोल किया जाए, बट फिर भी प्रोग्राम्स लाए गए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स। अब हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर आते हैं। देखिए, जहाँ पर भी वर्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, इसका मतलब बेसिकली एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है। जब बंदे ने सेल्फ एम्प्लॉय होना है, तो इसका मतलब फिर आप क्या कर रहे हो? आप बेसिकली उसको विदाउट इंटरेस्ट या लो इंटरेस्ट पर लोन दे रहे हो। उसका आप क्राइटेरिया सेट कर लो जो मर्जी। नहीं, इंडिया में वैसे भी लोन लेते हुए कोई डरता नहीं होता, ले लो, फिर देते वक्त दिखी जाएगी। बहुत सारे चुनाव आते रहते हैं, लोन तो ले लो, उसके बाद वो लोन माफी की अप्लाई करके, लोन तो फिर भगवान भरोसे हो ही जाते हैं इंडिया में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वो फंडा तो सब जगह चलता ही है। तो बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो है, दैट इज बेसिकली रेफरिंग टू ग्रांटिंग सम लोन्स, बेसिकली दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। अब इसकी अलग 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 वैरायटीज क्रिएट की जाती हैं, कुछ शहरी, कुछ ग्रामीण, यू नो, सम टाइम फॉर आर्टिसंस, सम टाइम फॉर वीमेन, सम टाइम फॉर अनएजुकेटेड, एग्रीकल्चर, कुछ भी अलग 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 स्कीमें निकालती हैं, समटाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, समटाइम स्टेट गवर्नमेंट, समटाइम कॉम्बिनेशन ऑफ टू, वही सब इसमें चलता है। तो सबसे पहले है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। अब यहाँ पर वो क्या करना चाहते हैं, बेसिकली दे वॉन्ट टू क्रिएट सेल्फ, दे वॉन्ट टू क्रिएट, द गवर्नमेंट वॉन्ट टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स।
इन एरियाज में, रूरल एरियाज में, स्मॉल टाउन्स में ये लोग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं. इट वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. लोन तो कोई देगा ना, तो बेसिकली चाहे जितने भी इस तरह के कमीशन्स, बोर्ड है ना, कुछ भी इस तरह का आप समझ लीजिए, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑफिस समझ लीजिए, जो खादी को प्रमोट कर रही है, विलेजेस को प्रमोट कर रही है. सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है, ये लोग फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे. सो अंडर दिस प्रोग्राम वन कुड गेट फाइनेंशियल असिस्टेंस. वही आएगी घूम के बात, और कुछ नहीं आने वाला है. इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेटअप इंडस्ट्रीज, राइट. अब यहाँ तक जो है ये आपकी बुक में दिया था, तो मेरे को लगा थोड़ा सा इसको और बढ़ाऊँ मैं, तो इसलिए मैं गूगल पे चला गया, वहाँ से कुछ आपके लिए छोटा मोटा खोद के लाया. द रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, अभी जिसके बारे में हमने पढ़ा, इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. वो तो हो गया. टू हेल्प एलिजिबल एंटरप्रेन्योर टू सेटअप विलेज इंडस्ट्री यूनिट. क्या करना है, विलेज में एक छोटी सी कोई इंडस्ट्रियल यूनिट क्रिएट करनी है, छोटी मोटी फैक्ट्री आपको डालनी है, और इसके लिए चाहिए इन विलेजेस इंक्लूडिंग स्मॉल टाउन्स विद पॉपुलेशन अप टू 20,000. छोटे शहर कौन से माने जाएंगे, जहां 20,000 तक लोग रहते हैं, छोटा सा कोई शहर है बस, नहीं तो गांव. तो बेसिकली इट्स फॉर विलेजेस एंड वेरी स्मॉल टाउन्स. चलो ये तो हो गया. अब लोन जो है इनको असिस्टेंस फ्रॉम ये खाली खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन से तो मिलेगी मिलेगी, साथ में इन्होंने कर दिया लोन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी देते ही हैं. देन वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स, देन वी हैव कोऑपरेटिव बैंक्स. बट प्रोजेक्ट कॉस्ट जो होनी चाहिए, ये एक याद रखने वाली, चलो खैर मैं याद रखने के बारे में तो कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज इट्स नॉट गिवन द बुक, बस जस्ट मेरे को लगा कि थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में और बताऊं ताकि थोड़ा आप इसको समझ सकें कि क्या फंडा है. तो जैसे यहाँ पे बात आई कि स्मॉल टाउन्स 20,000 तक के होने चाहिए एंड विलेज इंडस्ट्री यूनिट लगानी है, प्रोजेक्ट जो है वो 25,00,000 तक का छोटा प्रोजेक्ट अगर है तो उसको गवर्नमेंट असिस्टेंस दे रही है इन दिस रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम. आई होप इट इज क्लियर. आगे बढ़ते हैं. फिर एक और आई, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना. ये भी वही है, एंड क्योंकि इसमें ऐसा कोई रूरल वर्ड नहीं है तो इट इज रूरल एंड अर्बन एरियाज, ये फिर दोनों के लिए आ गई है ना. प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना फॉर रूरल एंड अर्बन एरियाज, वही है, इसमें भी फाइनेंशियल हेल्प, लोन ही देंगे और तो क्या हो सकता है. समटाइम्स गवर्नमेंट कुछ एरियाज में सब्सिडी भी दे सकती है ना, इन्वेस्टमेंट ग्रांट. लोन का मतलब तो हो गया कि यू हैव टू रिटर्न द मनी, बट इन सम केसेस गवर्नमेंट कैन आल्सो गिव वन टाइम हेल्प, चलो भैया कर लो आप, है ना. तो इनकी कोशिश यही थी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस, छोटी जो एंटरप्राइजेस हैं, माइक्रो मतलब स्मॉल, छोटी एंटरप्राइजेस, छोटे बिजनेस, छोटे व्यापार शुरू किए जाएं. और डेटा बता रहा है कि 3 मिलियन गॉट एम्प्लॉयमेंट, ऐसा करने से 30,00,000 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिल गई, यानी कि वो काम पे लगे. तो मैंने इसको भी थोड़ा सा गूगल किया, प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना को, तो इसमें मैंने देखा कि क्या है भैया. तो इसमें मिला फॉर ऑल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड 18 to 35 ईयर्स इन जनरल, यानी किसको लोन मिल रहा है, जो 18 से 35 साल की उम्र का है, और 10 साल की रिलैक्सेशन दे दी SC ST एक्स सर्विसमैन, यानी जो आर्मी से रिटायर्ड है, फिजिकली हैंडीकैप्ड और विमेन, इनके लिए और 10 साल की छूट है, यानी कि ये 18 से 45 में अप्लाई कर सकते हैं. 8वीं पास हो, 6 महीने की ट्रेनिंग कर रखी हो कहीं से, फैमिली की इनकम बस 40,000 साल तक हो, जिस एरिया का वो रेजिडेंट है वहाँ पर एटलीस्ट 3 साल से रहता हो, कोई उसने प्रीवियस असिस्टेंस में डिफॉल्ट ना किया हो, और एक्टिविटीज़ कवर्ड, ये थोड़ा सा है, ऑल इकोनॉमिकली वायबल एक्टिविटीज़, ऑल. ऐसा इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया, आपको डेयरी खोलनी है, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग का कुछ, फिशरीज खोलना है, और भी बहुत सारी साइट्स पे मैं जा रहा था तो वहाँ इस तरह से कुछ एग्जांपल्स भी थे, कुछ भी खोल सकते हो आप, छोटी मोटी कोई दुकान वकान, ऑल इकोनॉमिकली वायबल एक्टिविटीज़ को इन्होंने लोन देने का डिसीजन किया. बट एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस लाइक रेजिंग क्रॉप, परचेज ऑफ मैन्योर, मतलब एग्रीकल्चर नहीं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की इंटेंशन नहीं थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ करो, है ना. एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, माइक्रो एंटरप्राइजेस, हर वक्त एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं,
वैसे भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स रहती हैं, और 1 लाख तक का प्रोजेक्ट होना चाहिए बिजनेस सेक्टर, 2 लाख फॉर अदर एक्टिविटीज़, और अगर ज़्यादा लोग मिलके लें तो अप टू 10 लाख तक का इन्होंने असिस्टेंस लगा। ये सारी जो भी फिगर्स मैं आपको बता रहा हूँ ये प्लीज़ याद मत कीजिएगा, क्योंकि ये टाइम एंड अगेन चेंज होती रहती हैं। तो जो गूगल पे मुझे मिली जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जैक्टली, तो जितना आपकी बुक में दिया इतना ही पढ़ना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बताऊं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी बने और हम समझें कि एग्जैक्टली ये स्कीम्स हैं क्या, कैसे काम करते हैं। जस्ट यानी बस एक बार वीडियो में सुन लेना है और उसके बाद फिर अपना आपको जो मेमोराइजेशन वाला खेल है जो लर्न करना है वो ऑलमोस्ट उतना ही करना है जितना आपकी बुक में है, है ना। चलिए जी, फिर बाद में ये बताया गया कि इसको भी इन्होंने मर्ज कर दिया, जो भी मैंने 2 स्कीम्स बताई है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम और प्रधानमंत्री रोजगार योजना को इन्होंने कर दिया प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। चेंज करते रहते हैं, नेचुरली चेंज की ज़रूरत भी होती है समटाइम्स। तो इसमें भी वही है बेसिकली, रूरल एंड अर्बन एरियाज दोनों को कवर किया, तो ऐसा नहीं है कि ये रूरल एरिया पर ही फोकस करेगी। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर का मतलब वही है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब ही यही होता है कि एक लोन दिया जाए और आप काम करो। टू ब्रिंग टुगेदर वाइडली डिस्पर्स्ड ट्रेडिशनल आर्टिसंस, आर्टिसंस का मतलब होता है कारीगर, हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से काम करते हैं अलग अलग तरह के, है ना, शिल्पकार, कुछ घड़ रहे हैं कुछ इस तरह के ट्रेडिशनल आर्टिसंस, एंड अनएम्प्लॉयड यूथ टू गिव देम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट देयर प्लेस। हाँ, ये भी एक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आप समझिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट देयर प्लेस का क्या मतलब है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एट देयर प्लेस का मतलब है कि एक्चुअली दे डू नॉट वॉन्ट दैट ऑल द रूरल पीपल शुड फ्लॉक टू अर्बन एरियाज। अगर सारे गांव खाली हो जाएंगे और वहां पर जितना भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा यूथ अगर वो भाग के शहरों में आ जाएगा तो इतना बर्डन सिटीज नहीं झेल सकती हैं। अभी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता कितना भीड़ झेल सकती हैं, ये सारा यूपी, राजस्थान, बिहार, ये सब इन बड़े शहरों की तरफ जाता है, जाना भी चाहिए, पूरा देश उनका है। बट सरकार कोशिश तो कर सकती है ना कि जहाँ वो हैं अगर वहीं उनको कोई व्यापार रोजगार मिल जाए तो वो एरियाज भी तो डेवलप हों, आखिर कभी तो वो शहर भी बड़े शहर बने, वो राज्य भी तो कभी डेवलप बने, ये भी तो एक सोच है। नहीं तो बस हर वक्त दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यही आगे रहेंगे क्या? नहीं, जो कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और जो और भी सिटीज़ हैं डिफरेंट स्टेट्स में, उनको भी तो उतना ही पावरफुल बनना होगा आज नहीं तो 5 साल में 10 साल में। चलिए, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, है ना, जैसा कि नाम से ही क्लियर है इट्स शहरी रोजगार योजना। इसको शुरू किया स्वर्ण जयंती, ये डेफिनेटली अराउंड 50 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के आसपास ये शुरू किया, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब नेचुरली ये शहरी है तो अगली एक हम योजना ग्रामीण भी पढ़ेंगे। नाउ इसमें जो था वो था अर्बन एरियाज का, अभी जो स्कीम्स हम ऊपर पढ़ रहे थे वो दोनों एरियाज के लिए थी, तो इसमें भी वही है, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट उनको एनकरेज करना, सेटिंग अप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स कि भाई करो कुछ ना कुछ, हम तुमको लोन देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, कुछ ट्रेनिंग देते हैं, है ना, और इसको जो है वो सेंट्रल स्टेट ने 75-25 की फंडिंग की। सो एज ए स्टूडेंट अगर आप सोच रहे हो सर हमें क्या क्या याद रखना है, तो मेनली अगर आप इतना भी याद रख लें कि कौन कौन सी स्कीम्स थी, स्कीम्स के नेम्स अगर आप याद रख लें ब्रॉडली एक आध लाइन उनके बारे में, तो आई थिंक दैट विल बी सफिशियंट। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये इंटरेस्टिंग फंडा था। अभी तक क्या था कि गवर्नमेंट हमेशा खुद ही लोन देने के चक्कर में रहती थी, इसमें इन्होंने गेम चेंज किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा है। ये मैंने फिर विकीपीडिया से निकाला, वैसे बुक में भी रीजनेबल दिया था बट फिर भी मेरा मन हुआ कि थोड़ा इसको और मैं समझूं तो मैंने गूगल पे किया। पहले इसको समझते हैं, इसमें इन्होंने फंडा क्या किया कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया। इमेजिन कीजिए कि एक गांव के लोग हैं जिनके पास कोई ढंग से डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस नहीं है एंड उनको कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, मान लेते हैं लेडीज हैं, उनको सिलाई मशीन चाहिए, मुझे नहीं पता सिलाई मशीन कितने की आती है, से 5,000 की आती है से। नाउ आप ये सोच नहीं पाएंगे
शायद पढ़ते वक्त, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो 5,000 रुपये जुटाना भी बहुत मुश्किल होता है। अब गवर्नमेंट आखिर कहाँ तक कितना पैसा बांटे, कोई खजाने तो लग नहीं रहे। तो एक बड़ा अच्छा आइडिया ये डेवलप किया गया जिसका नाम दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें क्या हुआ कि 10 से 20 लोग जोड़ दिए। आप में से अगर कुछ स्टूडेंट्स जानते हो द कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव, उसमें भी पता क्या होता है, जैसे माना 100 लोग मेंबर बन गए, एक ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ, और उनमें से जिस जिसके पास थोड़े से पैसे हैं वो उन्होंने उसमें जमा कर दिए, तो एक तो हमारी इससे सेविंग की हैबिट डेवलप हो गई। फिर उन 100 लोगों में से जिसको जरूरत पड़ी लोन की, तो वो उन्होंने जो एक अपॉइंटिंग मैनेजिंग बॉडी बनाई हुई है, सपोज वो लोन दे देगी और उससे इंटरेस्ट कमाया जाएगा। आप समझ रहे थे, यानी कि ये एक तरह से सेल्फ बैंक है। मुझे बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने सुना है कि कुछ लोग मिलकर कमेटी भी डालते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं, फिर जिसको जरूरत होती है वो ले लेता है। तो ये वही कंसेप्ट है, ये घूम के सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इसमें यूजली विमेन को एनकरेज करने के लिए दे आर मेंबर्स इज 10 to 20 विमेन फ्रॉम सिमिलर सोशल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स, है ना, इनको जो है वो इकट्ठा किया एंड दे विल बी डूइंग सम सेविंग्स। और जब वो पैसा इकट्ठा हो जाएगा देन किसी भी मेंबर को अगर ज़रूरत पड़ती है ना, किसी मेंबर को अगर ज़रूरत पड़ती है इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स, कोई मैरिज है घर में, कोई एसेट खरीदना है, तो उसमें वो कलेक्शन से वो जो पूलिंग हो रखी है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उससे वो लोन दिया जाएगा। तो ये आपस में जुड़े हुए लोग हैं, तो एक दूसरे को जानते भी हैं। आमतौर पर अगर जैसे सपोज मैं बैंक से लोन ले आया, आप समझिएगा इसका फंडा समझिएगा, जो मैंने बहुत कोशिश की कि मेरे को गूगल पे लिखा हुआ मिल जाए ताकि मैं आपको लिखा हुआ ही बता दूं और अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा सेव हो जाऊं, बट अब जो मेरे को नॉलेज है मैं उसके बेसिस पे आपसे शेयरिंग कर रहा हूं। लिखा हुआ मुझे गूगल पे ढंग से नहीं मिला। पॉइंट क्या है, लॉजिक क्या है, असली लॉजिक क्या है, देखिए मैं गया बैंक में और मैंने बैंक से लोन ले लिया। अब कल को अगर मैं डिफॉल्ट करता हूं तो इट्स बिटवीन मी एंड बैंक, मैं नहीं देता। वो बैंक वाले थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बोलेंगे और उसके बाद बस खत्म, कुछ हुआ ही नहीं उस बात का। लेकिन अगर एक कम्युनिटी के थ्रू लोन दिया जाए, सपोज 20 लोगों का एक छोटा ग्रुप है और वो ग्रुप लोन दे रहा है, मे बी आगे चल के मैं बताऊंगा उस ग्रुप को बैंक लोन दे रहा है, दैट्स डिफरेंट। सपोज 20 लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को बैंक लोन दे रहा है। अभी बैंक ने डायरेक्टली किसी इंडिविजुअल को नहीं दिया, यानी कल को अगर जरूरत पड़ेगी रिकवरी में प्रॉब्लम की तो बैंक को घर घर नहीं जाना, वो उस ग्रुप से बात करेगा और वो ग्रुप में एक तरह से एक दूसरे की गारंटी ली हुई है, यू नो, और बहुत बड़ा ग्रुप भी नहीं होता इसलिए इसमें इट्स जस्ट 10-20, एक दूसरे को जानते हैं, एक एक इलाके के, मतलब आप सोचो एक छोटे से विलेज के वो 10-20 लोग हैं जिन्होंने मिलकर ग्रुप बनाया हुआ है, एक दूसरे पर विश्वास है और वो विश्वास तोड़ना नहीं चाहेंगे और झूठ बोलने से भी नहीं चलेगा। सपोज मैंने फिर अपना एग्जांपल लिया, सपोज मैंने लोन लिया हुआ, मैं झूठ बोल रहा हूँ मेरी इनकम नहीं, अब बैंक को तो फिर पूरा एक मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा इस बात को जज करने के लिए। लेकिन मोहल्लेदारी की जहां बात होगी, मोहल्लेदारी का जहां काम होगा, वहां तो वो समझ ही लेंगे ना ये झूठ बोल रहा है। तो यहां पर इसमें लिखा भी है थोड़ा बहुत, The group members use collective wisdom and peer pressure to ensure proper end use of credit and timely repayment. आप समझ रहे हैं? ये एक बड़े ही मजेदार चीज है, इसमें कोई ऐवें डिफॉल्ट नहीं कर सकता कि यार चलो डिफॉल्ट ही कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता। इसमें ठीक से चलना पड़ेगा, इसमें आपको बेसिकली आपस में जुड़े हुए लोग हैं तो यू हैव टू रीपे। सो ये एक बहुत ही मैं कहूँगा गेम चेंजर है। माइक्रो फाइनेंस अगर आपने कभी सुना हो, तो इस तरह की बहुत सारी फर्म्स हैं जो इंडिया में काम कर रही हैं एंड दे आर सक्सेसफुल। एक्चुअली ये लोन वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है अगर लोग ईमानदारी से रीपे करें तो, बट थोड़ी सी वहाँ बेईमानी और फिर वो क्या बोलूँ उस पर, तो वहाँ वो प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए वो इसी पर्पज़ के लिए बनाए गए। फिर बाद में RBI की रेगुलेशंस भी आई कि दैट बैंक्स हैव टू ऑफर फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग कोलैटरल फ्री लोन्स टू दिस ग्रुप्स। RBI ने बोला कि आपको इन ग्रुप्स को हेल्प करनी पड़ेगी ऑन वेरी लो इंटरेस्ट रेट्स। तो ये बड़ा ही अच्छा एक कंसेप्ट बनाया गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। ये कंसेप्ट एक तरह से आप समझो कि शुरू हुआ
और फिर आगे इसको और नाम भी चेंज किया है. तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का इन्होंने कंसेप्ट बनाया. दे एनकरेज टू सेव सम मनी एंड लैंड अमंग देमसेल्व्स ए स्मॉल लोन्स. ये आपकी बुक में लिखा हुआ है काफ़ी कुछ. तो लेटर थ्रू बैंक्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पार्शियल असिस्टेंस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू बैंक्स. बैंक्स को बोला भाई हेल्प करो, गवर्नमेंट की रेगुलेशन RBI मैंने कहा ना, RBI ने बोला करो, है ना. और सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करेगा विच देन डिसाइड होम द लोन इज टू बी गिवन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज. क्योंकि देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, बैंक में तो कोई भी पहुंच गया और उसका कुछ अता पता है नहीं, वो कहाँ से आया क्या आया, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस देगा थोड़ा बहुत वेरीफाई बेचारे बैंक वाले कर लेंगे, लेकिन बैंक के पास कोई आर्मी थोड़ी लगी हुई है, लिमिटेड लोग हैं और इतने सारे लोग अगर लोन्स के लिए अप्लाई कर दें कहाँ तक वो जज करेंगे एक बंदे को. लेकिन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, अच्छा एक और बात भी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बार बन गया और मान लेते हैं कि उसको असिस्टेंस गवर्नमेंट ने दी और वो उसने अपना रीपेमेंट का रिकॉर्ड बढ़िया रखा हुआ है, तो गवर्नमेंट कल को इन फ्यूचर उस ग्रुप को सपोर्ट करने में कंफर्टेबल फील करेगी ना, क्योंकि उसकी हिस्ट्री सही है और एक ग्रुप के बेसिस पर दूसरा ग्रुप भी फिर इस तरह से डेवलप होगा, तो मतलब ओवरऑल फिर ये चेन रिएक्शन में काम करेगा. फिर बाद में इन्होंने इसको बना दिया नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM, राइट. फिर इसी तरह का अर्बन लाइवलीहुड्स मिशन भी बना दिया गया. तो इंटरेस्टिंग है इन स्कीम्स के बारे में पढ़ना, अगर आप गूगल पे टाइम लगाते हो. वैसे तो अभी आप क्लास 12th में ही हैं, तो जितना बुक्स में लिखा है उतना ही पढ़ लें. और मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से आपको ये सेल्फ असिस्टेंस प्रोग्राम्स के बारे में एक रीजनेबल जो है गाइडेंस दे दी है. वी वर डिस्कसिंग अबाउट पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया, राइट. और इसके अंदर हमने डिस्कस किया अबाउट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स. इसमें दो हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं और वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं, है ना. अब ये वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे. थैंक यू.